हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइटोरियल। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है ट्रैक्टर से टायर से रिलेटेड। गाइस, मैंने एक वीडियो बनाई थी बीकेटी वर्सेस एमआरएफ, तो काफ़ी लोगों ने मेरे से कहा कि एक बीकेटी वर्सेस गुडियर का डिफरेंस लाइए, यानी कि उसके ऊपर एक वीडियो लाइए। और गुडियर में एक वज्र सुपर के नाम से एक टायर आता है, उसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। तो उसी की वीडियो में उसी के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूँ आज। इस वीडियो के अंदर मैं बीकेटी और गुडियर का रिव्यू करने वाला हूँ। दोनों टायर के बराबर बताऊंगा कौन सा टायर अच्छा है, कौन सा टायर की सर्विस वारंटी किस तरह से कंपनी आफ्टर सेल सर्विस किस टायर की अच्छी होने वाली है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं कंपैरिजन करूंगा इन दोनों टायर का। तो ये जो कंपैरिजन होगा पॉइंट्स के बेस पे करूंगा मैं, मतलब यानी कि ये मैं इस वीडियो के अंदर पॉइंट्स लूंगा और उस पॉइंट्स के बेस पे कंपैरिजन करूंगा। तो आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि मैं जो इस वीडियो में कहने वाला हूँ, आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। जैसा भी हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सबसे पहले मैं बता दूँ कि मेरे पे कौन कौन सी कंपनी के टायर हैं। मेरे पे जो टायर हैं वो है बीकेटी और गुडियर। काफ़ी अच्छी ब्रांड वैल्यू है इंडियन मार्केट के अंदर, काफ़ी लोग इन टायर को पसंद करते हैं। जब भी आप टायर कोई अच्छी कंपनी का देखने जाते हैं मार्केट के अंदर, तो आपको ये ज़रूर टायर दिखा जाते हैं, क्योंकि ये अच्छे टायर हैं। ट्रैक्टर टायर पर काफ़ी ज़्यादा लोग इन टायर को पसंद करते हैं। तो मेरे पास जो टायर है वो है बीकेटी कमांडर और गुडियर वज्र सुपर। दोनों ही इंडियन मार्केट में बहुत अच्छे टायर हैं, काफ़ी अच्छे ब्रांड वैल्यू है इन टायरों की। तो इन टायर के बारे में हम बात करेंगे, कैसे ये टायर है, क्या इनकी प्राइस है। प्राइस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लोज कर दूंगा, प्राइस नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। और मैं प्राइस में इन दोनों टायरों की बताऊंगा नीचे। काफ़ी स्पेशली वीडियो वाली है, बने रही है इस वीडियो के साथ, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करें तो कौन से टायर की जो घिसाई है, यानी कि जो जो वियर होती है, वो कौन से टायर में कम आने वाली है। तो मैक्सिमम टायर रोड पर ही घिसा जाता है और रोड पे ही टायर सबसे ज़्यादा घिसता है। तो रोड पे किस टायर की घिसाई कम होने वाली है या खेतों के अंदर किस टायर की घिसाई कम होने वाली है, ये चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो मेरे पास दोनों कंपनियों के टायर हैं, आपके सामने दोनों कंपनियों के टायर हैं। तो मैं अगर बात करूँ, जहाँ तक मैंने लोगों से मालूम करा है, पता करा है और जहाँ तक भी मैंने देखा है, तो बीकेटी के जो कमांडर है इसकी घिसाई सबसे कम देखी गई है मार्केट के अंदर। यानी कि लोगों ने जैसा मेरे को बताया है, बीकेटी कमांडर, और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करा है, मेरे को काफ़ी कुछ टायर के बारे में एक्सपीरियंस है। मैं काफ़ी टाइम से टायर ट्रेड में काम कर रहा हूँ। तो मेरे को जहाँ तक मैंने देखा है रबड़ क्वालिटी, और जहाँ तक मेरे को पता चला है, तो मेरे को जो पर्सनली कम लगी है जो बीकेटी कमांडर है उसकी घिसाई थोड़ी कम लगी, यानी कि उसकी जो वियर चार्ज है वो थोड़ी कम है गुड़ियर से। अगर हम कंपेरिजन करें, गुड़ियर भी काफ़ी कम घिसाई है, बट बीकेटी की थोड़ी घिसाई कम है अगर हम गुड़ियर से कंपेरिजन करें। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो कौन से टायर की जो हाइट है, यानी कि जो खड़ाई है, वो ज़्यादा होने वाली है। तो मेरे हिसाब से दोनों के जो खड़ाई है वो ज़्यादा सेम टू सेम है, बल्कि यानी कि खड़ाई बिल्कुल बराबर की है। क्यों, आपके सामने दोनों टायर मैं आपको दिखा देता हूँ, और लगभग खड़ाई दोनों की बराबर ही है, यानी कि सेम। तो इस पॉइंट के अंदर दोनों टायर की जो खड़ाई है सेम है, यानी कि इस पॉइंट के अंदर दोनों का टाई हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो किस टायर की जो प्राइस है वो कम आने वाली है या किस टायर की जो प्राइसिंग है वो ज़्यादा आने वाली है। तो मेरे हिसाब से बीकेटी जो कमांडर है वो थोड़ा सा महंगा है वज्र सुपर से। इसके प्राइस भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, तो प्राइस भी आप ज़रूर चेक करिएगा नीचे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बीकेटी का टायर। बीकेटी के लोगों को जिस तरीके से दी गई है टायर के ऊपर, लाइलॉन का ये टायर होने वाला है, एक एरो भी टायर के ऊपर दिया गया है। इसे आप क्लॉकवाइज ही डालें जब भी आप टायर के अंदर ट्रैक्टर के अंदर इसे डालें। बीकेटी कमांडर का ये टायर है, जो कि कह सकते हैं बीकेटी के अंदर सबसे ऊँचा मॉडल आता है, सुपर टायर के अंदर नहीं आता है बीकेटी के अंदर। बीकेटी के अंदर दूसरा मॉडल भी, दूसरा लोगो दिया गया है टायर के ऊपर। सेफ्टी वार्निंग्स कुछ दी गई हैं, 13x28 इसका साइज़ होने वाला है, जो कि ट्रैक्टर इसके अंदर लगता है, ट्रैक्टर का रियर टायर कह सकते हैं, ट्रैक्टर का रियर टायर है ये। तो अगर हम बात करें, ये काफ़ी अच्छा ये टायर है बीकेटी कमांडर का। अगर हम इसकी टायर की गुड्डे की बात करें, तो गुड्डी मेरे को सबसे ज़्यादा हैवी इस टायर की लगी है, और साइड वॉल तो बहुत ज़्यादा हैवी है। मैंने इतने टायर देखे हैं, इससे ज़्यादा साइड वॉल मेरे को किसी टायर की हैवी नहीं लगी है। बहुत ही हैवी साइड वॉल है, आसानी से कुछ भी इसके अंदर जाने वाला नहीं है। बहुत ही हैवी साइड वॉल है इस टायर की, अच्छी क्वालिटी की रबड़ यूज़ की है इस टायर के अंदर, और इसकी जो गुड्डी है वो बहुत ही हैवी है, अलग टाइप की रबड़ लगती है, कुछ शाइनिंग सा ये टायर करता है। काफ़ी अच्छी रबड़ क्वालिटी इस टायर के अंदर यूज़ की गई है, जो कि इस टायर को काफ़ी अच्छा बना देती है। बीकेटी की जो गुड्डी के ऊपर भी बीकेटी का लोगो दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अगर हम इस टायर की बात करें, तो इसमें 2 ईयर अनकंडीशन वारंटी आती है और प्लस 5 ईयर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी आती है, यानी कि आपका टायर कहीं से फूलता है, चटकता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के तहत बदला जाएगा, प्लस 2 ईयर अनकंडीशनल वारंटी में आपका टायर कहीं से कटता है या फटता है तो भी क्लेम कर देगी कंपनी, जो कि इस टायर को काफ़ी अच्छा बना देती है। तो वारंटी काफ़ी अच्छी है इस टायर की। एक साथ इसके साथ एक बैग और या कुछ गिफ्ट हैम्पर और कंपनी देती है, तो आप ज़रूर उस टायर को और उस चीज़ को डीलर से कंफर्म ज़रूर करें। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा ये टायर है, काफ़ी
कम इसकी घिसाई होने वाली। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें गुडियर की, तो गुडियर की ब्रांडिंग आप देख सकते हैं टायर के ऊपर कुछ इस तरीके से दी गई है। 13/6 इसका साइज़ है, जो कि ट्रैक्टर का रियर टायर है यानी कि पीछे का टायर है। 12 प्लाई रेटिंग टायर के ऊपर दी गई है, 12 प्लाई का ये टायर होने वाला है। और इसका जो नाम है वो है वज्र सुपर, जो कि आप देख सकते हैं टायर के ऊपर लिखा गया है, जो कि गुडियर के अंदर सबसे ऊंचा मॉडल है। इससे ऊपर गुडियर के अंदर टायर नहीं आता है और सबसे हाईएस्ट मॉडल कह सकते हैं गुडियर के अंदर है। इसकी अगर हम साइड वॉल की बात करें, तो साइड वॉल मेरे को पर्सनली BKT से हल्की लगी है। अगर मैं कंपेयर करूँ BKT से, तो BKT से तो हल्की है, वैसे साइड वॉल काफ़ी हैवी है इस टायर की। अगर BKT से कंपेयर करा जाए तो BKT से थोड़ी हल्की मेरे को इसकी साइड वॉल लगी है। हम इसकी बात करें गुड्डी की, तो गुड्डी भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की रबड़ यूज़ की गई है टायर के अंदर। गुड्डी का जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, काफ़ी सुंदर सी गुड्डी लगती है इस टायर की। एक ऊपर एक इसके ऊपर जो डिज़ाइन सा दिया गया है आप देख सकते हैं, जो लाइन लाइन सी जो टायर के ऊपर हैं। कंपनी का बोलना है कि ये सारी गुड्डी आपस में कनेक्ट हैं और गुड्डी एक उखड़ने की शिकायत इस टायर के अंदर नहीं आती है। तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा इस टायर को अपना अच्छा बताती है और इस टायर को सबसे स्पेशल टायर बनाती है ट्रैक्टर के लिए। अब जो नए टायर आ रहे हैं, अगर उसमें गुडियर का टायर आता है, तो अब मैक्सिमम आप यही देखते हैं कि गुडियर वज्र सुपर आपको टायर देखने को मिलता है ट्रैक्टर के अंदर। अगर कोई नया टायर आप नया ट्रैक्टर को लेने जाते हैं, तो उसके अंदर अगर गुडियर के टायर आते हैं, तो गुडियर में वज्र सुपर जो सबसे हैवी है और हाईएस्ट मॉडल है गुडियर का, तो ट्रैक्टर के अंदर वो ही टायर आ रहा है। इसमें जो वारंटी कंपनी देती है वो 5 ईयर मैनुफैक्चरिंग वारंटी देती है, प्लस 2 ईयर अनकंडीशनल वारंटी देती है। यानी कि आपका टायर कहीं से फूलता है या चटकता है, तो कंपनी क्लेम करके देगी 5 साल के अंदर। फूलने चटकने पर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के तहत बदला जाएगा और 2 साल तक कटने फटने की गारंटी और कंपनी दे देती है। और इसके साथ अगर आपका टायर कहीं से कटता है फटता है, बदल जाएगा और आधे माल तक, यानी कि 2 साल या आधा माल एक शर्त है, आधा माल के बाद गारंटी ख़त्म हो जाती है 2 साल कटने फटने वाली। तो काफ़ी अच्छा ये टायर है गुडियर में, काफ़ी हैवी ये टायर है, सबसे स्पेशल टायर बताते हैं गुडियर। इससे ऊपर टायर गुडियर के अंदर नहीं आता है। तो हम बात करें तो खेतों के लिए भी काफ़ी अच्छा ये टायर है। खेत में काफ़ी लोग इस टायर को पसंद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइव इस टायर की देखी जाती है खेतों के अंदर। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा ये टायर होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को खेत के लिए टायर चाहिए, तो वन ऑफ द बेस्ट टायर होने वाला है आपके लिए। मैंने आपको एक एक करके दोनों टायर के बारे में बताया है, उसकी कमियाँ उसकी खामियाँ दोनों चीज़ों के बारे में बात की है, क्या क्या उनकी विशेषता हैं, क्या 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 उनकी कमियाँ रहने वाली हैं, किस टायर की जो प्राइस है वो ज़्यादा है, किस टायर की प्राइस कम होने वाली है, सारी चीज़ों के ऊपर मैंने बात करी है इस वीडियो के अंदर। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है या किसी को कुछ पूछना है, तो मेरे को व्हाट्सअप नंबर मेरा नीचे दिया गया है, आप मेरे को नीचे व्हाट्सअप नंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे दी गई है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मेरे से कहीं कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आप उसका रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तो अगर गाइस आपका अभी भी कोई डाउट है सवाल है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर मैसेज डाल सकते हैं, इंस्टा पर मैसेज डाल सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है, प्लीज़ लाइक करके मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं, एक उत्साह बढ़ता है अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। मेरा कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है आपकी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने से। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों हमेशा सेफ चलें, सेफ ड्राइव करें, आपके साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं उनका भी ख्याल रखें। वीडियो देखने के धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।